एसी फेल है, दुनिया का कोई भी इन्वर्टर फेल है यहाँ पे, आप लोग के लिए सब कर सकता हूँ। इंद्रधनुष बड़ा प्यारा लग रहा है भाई साहब, अरे मैं कैद करके बड़ा ही सुकून प्राप्ति हो रही है आपको दिखा के। ओह माय गॉड, अली राजा जाता है ये पानी। हाँ ये तो है लोग ना, लोग भाई बहुत गर्मी लग रहा है। डायरेक्ट सन, डायरेक्ट सन, डायरेक्ट सन चेहरे यार। मेरे ऊपर भी डाले का तो आप कैसे बोले कि घूमने का इलाका है करके, घूमने का इलाका नहीं है क्या, आप बताओ मेरे को। यहाँ पे हम लोग को जानवर मिला भी, दो ठुक गया भाई। क्या आपको भी ऑटो में इंटरेस्ट है तो आई बटन में ऊपर क्लिक करके आप मेरे सेकंड चैनल में जा सकते हैं, अंदर का देख सकते हो। गाइस गाइस, इसको रेलवे लाइन में क्यों बनाया जाता है साइड में, आप मेरे जरूर से बताओ तो जरा देखूँ आप कितने लोग जानते हैं इसको क्यों बनाया जाता है, बताना जरूर मेरे को। देख सकते हो गाइस, इंद्रधनुष साफ साफ दिख रहा है आपको, ये पानी का फुहारा है जो वहाँ तक जा रहा है, दिखाऊँ वहाँ तक, और सभी तरफ से इंद्रधनुष का प्रतीत होते हुए दिख रहा है, देख सकते हो ये देख सकते हो कितना प्रेशर से आ रहा है दोस्तों, लीक कर गया है ये। दल्ली राजा जाता है ये पानी, महामाया रोड में अभी है, अभी माइंस रोड है, देख सकते हो। तो गाइस ये है दल्ली का, लोहा से बना है ये पाइप पूरा मजबूत, और ये पानी आ रहा है बोटी रेंज से आ रहा है, जो कि जाता है दल्ली राजरा। अगर ये पानी नहीं जाएगा तो उन लोग कंकाल मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा दूषित पानी है, लोहा वाला पानी है, जिससे लोग पी ही नहीं सकते। देख सकते हो यहाँ पाइप पूरा फट चुका है, देख सकते हो पूरा जंगल इलाका है। आगे है एक फार्म हाउस जिसका रिव्यू हम करेंगे कभी, अभी मतलब इन्हीं दिनों में गर्मियों में, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। इंद्रधनुष बड़ा प्यारा लग रहा है भाई साहब, कैमरे में कैद करके बड़ा ही सुकून प्राप्ति हो रही है आपको दिखा के, और देख सकते हो ये पेड़ बढ़िया ठंडा ठंडा ले रहा है भाई गर्मियों के दिन में भी, देख सकते हो आप। ओह माय गॉड भाई, मैं बता नहीं सकता मेरे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे रह के। एसी फेल है, दुनिया का कोई भी इन्वर्टर फेल है यहाँ पे, जनरेटर आ रहा है भाई। तो ये लेदर का जूता जाए तो जाए, लेकिन इतना अच्छा अमेजिंग प्लेस हम छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ ये तो है, बहुत ज्यादा जाना जाना जरा जाना जाना भाई। ओ माय गॉड, जरा जा तो तू भी थोड़ा भीग ले वहां पे, जा वहां पे क्या लगता है भाई, एक बार जाना जा भाई, जा अनुभव ले ले क्या लग रहा है। नहीं एसी पहले नहीं बता, अबे मिलिंद गावा बहुत ठंडी लग रहा है, नहीं एसी पहले भी बता रहा हूँ ना। तो ये लेदर का जूता जाए तो जाए, लेकिन इतना अच्छा अमेजिंग प्लेस हम छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ ये तो है, बहुत ज्यादा जाना जाना जरा जाना जाना भाई। ओ माय गॉड, जरा जा तो तू भी थोड़ा भीग ले वहां पे, जा वहां पे क्या लगता है भाई, एक बार जा ना, जा भाई जा अनुभव ले ले क्या लग रहा है। नहीं एसी पहले नहीं बता, अबे मिलिंद गावा बहुत ठंडी लग रहा है, नहीं एसी पहले भी बता रहा हूँ ना। तो ये लेदर का जूता जाए तो जाए, लेकिन इतना अच्छा अमेजिंग प्लेस हम छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ ये तो है, बहुत ज्यादा जाना जाना जरा जाना जाना भाई। ओ माय गॉड, जरा जा तो तू भी थोड़ा भीग ले वहां पे, जा वहां पे क्या लगता है भाई, एक बार जाना, जा भाई जा अनुभव ले ले क्या लग रहा है। नहीं एसी पहले नहीं बता, अबे मिलिंद गावा बहुत ठंडी लग रहा है, नहीं एसी पहले भी बता रहा हूँ ना। तो देख सकते हो गाइस, मैं दिखाना चाहता हूँ वहां से पानी यहाँ तक आ रहा है, वाष्प पूरा गीला हो चुका है, कितना दूर से आ रहा है पानी वाष्प के रूप में, और इधर ट्रक चल कंटिन्यू चलते रहता है बहुत स्पीड में। देख ले
जंगल में हरी हरी पत्तियां, वो भी गर्मी के मौसम में, बड़ा ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के। वाह, जंगल में घूमने का भी अलग। आगे डैम है, चलिए आपको दिखाते हैं आगे, मनकुआ डैम बोलते हैं इसको। भाई जी आ रहे हैं, भाई के फोन में कुछ ऐसे दिखता है, कुछ ज्यादा ही ओवर सैचुरेटेड कलर काफी बूस्ट है। मेरे में देखिए जरा, ये देखिए नेचुरल। ये है बरगद का पेड़ जो कि गर्मी में भी बढ़िया हरियाली छाई हुई है। यहाँ पे पानी कमी नहीं है ना भाई। हाँ। ये तो बरसात में पूरा भरा रहता है। एक बार हम आए थे, वो रोड में चल रहा था, वहाँ पे पुल पे हम लोग पार करके हम लोग घूमने गए थे आगे टेम्पल, जो कि अभी मैं शूट करने नेक्स्ट वीडियो के लिए जाने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, बहुत अमेजिंग होने वाली है वीडियो, ठीक है। उधर देख सकते हो पहाड़ है, पूरा दल्ली राज रखा है वो, जो कि पूरा सूखा पड़ा है गाइस। ये पूरा भरा रहता है, रोड तक दिखता है, रोड में चलता भी है इतना इतना पानी, जैसा कि मैं बताया आपको। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ आने के बाद, काफ़ी दूर आने के बाद पानी तो पूरा सूखा पड़ा है। और उधर आ रहे हैं श्रमिक अपने काम करके, बच्चे के साथ आम आम तोड़ने गए होंगे शायद, गाँव के लोग हैं। और ऐसा कुछ दिख रहा है भाई साहब, हम लोग रोड से उधर आए हैं अंदर, धूप पूरा सीधे पड़ रही है हमारे ऊपर, बहुत चेहरे पे पड़ रही है, क्या बोलेगा कतई जहर। मैं तो सूखते जा रहा हूँ, पानी में जो भीगा था मैं मस्ती किया था। और जाने का उम्मीद थी है कि अभी भीग गए थे, पूरा सूख गया, फिर से जाके वहाँ पे फुहारा लेना है, एसी का मजा। कैसे भाई? लेना है भाई, बहुत गर्मी लग रहा है। डायरेक्ट सन, डायरेक्ट सन चेहरे पे। जाऊंगा भाई पूरा वहाँ पे, अभी शॉर्ट्स बनाना है यूट्यूब के लिए। तो गाइस मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ कितना प्रेशर है, क्या है, दिखाता हूँ। अरे भाई साहब पूरा भीग गया भाई। आप लोग के लिए सब कर सकता हूँ, बस आप सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए मेरा, न्यू अपडेट के लिए, क्रेजी अपडेट के लिए बस। पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस, जितने भी गाड़ी आती है तो दो मिनट रुक के देखती जरूर कि क्यों क्या हो गया यहाँ पे। तो हम तो यहाँ पे पूरा वीडियो बना दिए डिटेल के साथ, आपको बता। रेतिक खदान कहाँ पे? यही है, हल्का है भाई, वैसा कुछ रोड है, कई बार बन चुका है ये रोड के कारण खराब ही हो जाता है। चलिए अगले वीडियो के लिए, पानी में जाएगा तो दस्ती के लोग ना लोहा वाला पानी पी के मर जाएंगे भाई, कितना भी फिल्टर आरो काम नहीं करता हूँ यार। मैं वापस आ गया भाई। हाय, तो घने जंगल में देख सकते हो आग लगाया गया है, पता नहीं बीच जंगल में क्यों लगाया गया है, अपने से तो लग नहीं सकता, अभी गर्मी इतना बढ़ी नहीं है। नाव कहाँ है भाई, नाव चलता है क्या यहाँ? ये मेरे ऊपर भी डाले का। अरे अपन जंगल एरिया ना अंकल, हमारे पास में जो भैया है ना फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ के, यही मेन सतीश ग्वाल। आप सुने भी नहीं होगे, आपको पता भी नहीं है। अरे भाई तो हम ऊपर तो जा ही नहीं रहे ना जी, तो आप कैसे बोले कि घूमने का इलाका है करके, घूमने का इलाका नहीं है क्या, आप बताओ मेरे को। हाँ टाइम नहीं है मानता हूँ, हम तो ऊपर नहीं जा रहे ना भाई, अभी अभी खुद हम जाएंगे, अभी नीचे जाएंगे हम, छोड़ अब चल। खड़े ना खड़े, गाड़ी घुमाऊंगा, तुम लोग भाग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को जानवर मिला, अभी दो ठोक गया भाई सामने से गया, एक हम लोग गाड़ी रोके तो एक गुजरा, मैं अनलॉक करते करते टाइम हो गया, उन लोग गुजर गए। चल चले क्या, चलना पास जाते हैं भाई।